हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एलिमिनेशन का सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एनिमा। एनिमा के बारे में हम पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। एनिमा को अपन क्लासेस भी कहते हैं। एनिमा की जो डेफिनेशन होती है उसमें क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में जो फ्लूड होता है वो रेक्टम के थ्रू लोअर बॉल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम बोलते हैं, ऐसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूड आर एडमिनिस्टर्ड टू दी लोअर बाउल थ्रू द रेक्टम। रेक्टम के थ्रू लोअर बाउल में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूड को एडमिनिस्टर करना एनिमा है। इसके पर्पस मेनली क्या होते हैं, अपन क्यों एनिमा लगाते हैं, तो उसके लिए होता है, एक तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करने के लिए और दूसरा बाउल को क्लीन करने के लिए, दो पर्पज हो गए। और तीसरा जो पर्पज है वो है डायग्नोस्टिक पर्पज से, किसी भी डिजीज का पता लगाने के लिए भी हम इसका एनिमा का यूज करते हैं। इसके इंडिकेशंस क्या क्या होंगे कि एनिमा लगाना पड़ सकता है, कौन कौन सी कंडीशंस होगी। एक तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होगी तब। दूसरा जो होगा वो बिफोर सर्जरी, सर्जरी के पहले। और तीसरा जो आएगा गैसेस डिस्टेंशन, यानी किसी पेशेंट को गैसेस डिस्टेंशन की कोई प्रॉब्लम है तब। और फोर्थ जो आएगा वो आएगा रेक्टल ट्यूमर, अगर रेक्टम में कहीं ट्यूमर हो रखा है तो एनिमा का यूज करेंगे अपन। और इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉल, बॉल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रखा है तो भी हम एनिमा का यूज़ करेंगे। इसके जो मेनली जो क्या होते हैं कि कहाँ कहाँ अपन एनिमा को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होंगे, सबसे पहले एक तो अपेंडिसाइटिस हो रखा हो पेशेंट में तब, और दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हो बॉडी के अंदर, तब अपन एनिमा का यूज़ नहीं करते। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा के अंदर, एनिमा का जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या होगा कि एनिमा जो होता है वो मेनली दो टाइप का होता है। पहला आएगा एवेक्वेंट एनिमा और दूसरा आएगा रिटेंशन या रिटेन्ड एनिमा। एवेक्वेंट एनिमा होता है वो तीन टाइप का होता है, सिंपल मेडिकेटेड एंड कोल्ड। मेडिकेटेड के भी आगे पाँच प्रकार है, और रिटेन्ड एनिमा को भी पाँच पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। तो मेडिकेटेड एनिमा के जो टाइप्स आएंगे वो आएंगे, सबसे पहले ऑयल एनिमा, सेकेंड आएगा परगेटिव, थर्ड एंटी हेलमेंटिस, फोर्थ एस्ट्रेजेंट एंड फिफ्थ आएगा कार्बिनेटिव एनिमा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिटेन्ड एनिमा, जो कि एनिमा का दूसरा टाइप है, उसको हम पांच पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आएगा स्टिमुलेंट एनिमा, थर्ड सेकेंड आएगा न्यूट्रिटिव, थर्ड इमोलियंट, फोर्थ सेडेटिव एंड फिफ्थ एनेस्थेटिक। ये पांच टाइप्स में अपन डिवाइड करते हैं रिटेन एनिमा को। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के बारे में पता किया, अब क्लासिफिकेशन के बाद हम ये देखेंगे कि कौन से एनिमा का यूज़ है, वो कहाँ पर और कौन सी कंडीशन में किया जाता है, किसकी क्या खास बात होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अपन मेनली है वो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए अपन बेरियम एनिमा का यूज़ करते हैं। बेरियम सल्फेट जो होता है वो यूज़ किया जाता है बेरियम एनिमा के अंदर। ये क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंस कॉन्ट्रास्ट मीडियम प्रोवाइड करता है, और जो ट्यूमर की ग्रोथ वगैरह होती है वहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको डायग्नोसिस करने में आसानी होती है। तो नेक्स्ट आता है वो आएगा इवेक्वेंट एनिमा की जो टाइप है उस पर। इवेक्वेंट एनिमा को अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रिटेंशन और इवेक्वेंट में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले जो इवेक्वेंट एनिमा होता है उसका यूज़ होता है मेनली क्लीनिंग के पर्पज से यूज़ होता है, और जो रिटेन्ड एनिमा होता है उसका थेरापेटिक यूज़ होता है, थेरापेटिक पर्पज से अपन उसको यूज़ करते हैं। अब जो इवेक्वेंट एनिमा होती है उसकी फ्रिक्वेंसी, यानी कि यूज़ मोर देन वंस अ टाइम, मतलब एक बार में आप एक दिन में या एक बार में आप एक टाइम में बहुत बार यूज़ कर सकते हैं उसको। और रिटेन्ड एनिमा है वो एक दिन में ओनली फॉर एक बार ही यूज़ किया जा सकता है। रिटेन्ड एनिमा के अंदर आप न्यूट्रिटिव एनिमा को छोड़ के बाकी सबको आप ओनली वन टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं एक दिन में। और जो टेम्परेचर होता है वो एडल्ट का होता है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो एनिमा के सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है वो एडल्ट के अंदर 105 से 110 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, और बच्चों के अंदर 110 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। और जो रिटेन्ड एनिमा का डिफरेंस होगा उसके अंदर आएगा कि इसका टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होगा,
नेक्स्ट आता है अपन डिसाइड करेंगे सिंपल इवेक्वेंट एनिमा को. सिंपल इवेक्वेंट एनिमा होता है उसका यूज क्लीनिंग के पर्पज से करते हैं, तो हमने पहले डिस्कस किया था. और इसका जो यूज होता है वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए अपन करते हैं. सॉल्यूशन क्या होता है इसके अंदर, इवेक्वेंट के अंदर नॉर्मल सनलाइट होता है और दूसरा आएगा सोप एंड वाटर. सोप जो होता है वो लिक्विड एनेस्थेटिक सोप होता है और वाटर होता है इसके अंदर. सेकेंड आएगा कोल्ड एनिमा. कोल्ड एनिमा को अपन आइस एनिमा भी बोलते हैं, या इसका यूज जो होता है वो हाइपर पाइरेक्सिया यानी कि फीवर को रिलीफ करने के लिए अपन करते हैं. इसका जो टेम्परेचर होगा वो 65 to 85 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, या 70 डिग्री के आसपास फॉरेनहाइट के आसपास लगभग टेम्परेचर होता है. नेक्स्ट आता है मेडिकेटेड एनिमा. मेडिकेटेड एनिमा के 5 टाइप है, ऑयल एनिमा, परवेटिव एनिमा, एंटी हेलमेंथिक, एस्ट्रेटिक एंड कार्डिनेट. तो सबसे पहले हम आते हैं ऑयल एनिमा पे. ऑयल एनिमा का यूज होता है उसका जो स्टूल सॉफ्टनर के रूप में अपन यूज करते हैं, और इसका जो दूसरा नाम होता है वो लैक्सेटिव एनिमा भी अपन इसको बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर सॉल्यूशन क्या होता है, एक तो ऑलिव ऑयल का सॉल्यूशन होता है और दूसरा होता है कैस्ट्रॉल ऑयल का. दूसरा आएगा पर्गेटिव एनिमा. पर्गेटिव एनिमा को अपन ग्लिसरीन एनिमा भी बोलते हैं. पर्गेटिव एनिमा का दूसरा नाम है ग्लिसरीन एनिमा. इसको मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, और इंक्रीज क्या करता है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करता है. तो इसका सबसे मेन पर्पज यही हो गया पर्गेटिव एनिमा को लगाने का. इसके अंदर सॉल्यूशन होगा ग्लिसरीन कैस्ट्रॉल, दोनों का 1:1 सॉल्यूशन यूज किया जाता है. थर्ड आता है कार्बोनेटिव एनिमा. कार्बोनेटिव एनिमा को अपन एंटी स्पाजमोडिक एनिमा भी बोलते हैं. एंटी स्पाजमोडिक एनिमा का पर्पज क्या होता है, गैसेस डिस्टेंशन को एलिमिनेट करना या उससे रिलीफ दिलाना. इसके अंदर सॉल्यूशन होगा टर्पेंटाइन ऑयल का. फोर्थ आता है एस्ट्रेंजेंट एनिमा. एस्ट्रेंजेंट एनिमा होगा वो, उसको अपन बोलते हैं सेकेंड नेम होता है एंटी इन्फ्लामेटरी एनिमा. इसका यूज होता है रिड्यूस करने में इन्फ्लामेशन ऑफ लोअर बॉल. लोअर बॉल के इन्फ्लामेशन को रिलीफ करने के लिए अपन एस्ट्रेंजेंट एनिमा का यूज करते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है एंटी इन्फ्लामेटरी. एंटी इन्फ्लामेटरी से मतलब से ही पता लगता है कि इन्फ्लामेशन को कम करने वाला. दूसरा इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एलम प्लस वाटर, और दूसरा आएगा सिल्वर नाइट्रेट 1%. नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है वो है एंटी हेलमेंटिक एनिमा. एंटी हेलमेंटिक एनिमा को अपन दूसरा नाम एंटी पैरासाइट एनिमा भी कहते हैं. एंटी पैरासाइट एनिमा का यूज करते हैं वार्म इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए और पैरासाइट्स की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए. वार्म इन्फेक्शन और पैरासाइट की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है एंटी पैरासाइट. इसके अंदर सॉल्यूशन जो यूज करते हैं वो करते हैं सेवलॉन यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर का रेशियो. सेकंड अपन आते हैं एनिमा के दूसरे पार्ट पर, रिटेन एनिमा पर. रिटेन एनिमा का पहला पॉइंट आएगा स्टिमुलेंट एनिमा. स्टिमुलेंट एनिमा का यूज अपन करते हैं पॉइजनिंग के केस के अंदर. अगर पेशेंट ने कोई पॉइजनिंग की ओवरडोज किसी ड्रग की ले ली है या कोई पॉइजन ले लिया है, तो उस वजह से पेशेंट क्या होता है शॉक की कंडीशन में जाने की शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है. तो ये शॉक वाले पेशेंट के अंदर अपन यूज़ करते हैं, या पॉइजनिंग वाले केस के अंदर अपन स्टिमुलेंट एनिमा का यूज़ करते हैं. इसका जो टेम्परेचर होता है वो 108 डिग्री फॉरेनहाइट होता है. इसका सॉल्यूशन होगा कॉफ़ी पाउडर प्लस 30 ml वाटर, 300 ml वाटर, 300 ml वाटर. एक तो कॉफ़ी पाउडर होगा और एक 300 ml वाटर होगा उसका मिक्सचर. नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा इमोलिएंट एनिमा. इमोलिएंट एनिमा का यूज किया जाता है सॉफ्टनिंग फॉर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लोअर बॉडी. म्यूकस मेम्ब्रेन की सॉफ्टनिंग के लिए अपन इमोलिएंट एनिमा का यूज करते हैं. ये क्या करता है, इरिटेशन से प्रिवेंट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन को, और प्रिवेंट करता है डायरिया से.
इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ओपियम और स्टार्च वाटर। नेक्स्ट जो आएगा पॉइंट वो आएगा न्यूट्रिटिव एनिमा के बारे में। न्यूट्रिटिव एनिमा क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसका मेन पर्पज हो गया न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जब क्या होता है कि जीआई ट्रैक्ट ना नॉन फंक्शनिंग होगा तब न्यूट्रिटिव एनिमा का यूज अपन करते हैं। जब आप जैसे कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो आएगा डेक्सट्रोज एंड पेप्टाइड मिल्क। अगला पॉइंट है वो है सेडेटिव एनिमा। सेडेटिव का यूज अपन क्या करते हैं? यूज नॉर्मली करते हैं इंड्यूस स्लीप के लिए, नींद को लाने के लिए। किसी पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, स्लीपिंग प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अपन सेडेटिव एनिमा का यूज करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो है पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट अगला पॉइंट आएगा एनेस्थेटिक एनिमा। एनेस्थेटिक एनिमा का प्रोवाइड एनेस्थीशिया के अंदर किया जाता है। सॉल्यूशन होता है एवरडीन। अब क्या होगा कि इसके अंदर मेनली ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन एनिमा का। नेक्स्ट जो होगा वो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।